वेलकम बैक टू बरीराज किचन गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े से रह रहे होंगे। गाइस आज की वीडियो जो है बहुत ही मज़े की और कमाल की होने जा रही है, क्योंकि आज हम मनाने जा रहे हैं असली देसी घी जो कि होता है कमाल का। तो आज हम बनाएंगे असली दानेदार देसी घी। आप लोग कौन सी गलतियां करते हैं और आप लोगों का घी जो है वो दानेदार नहीं बनता, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं और किस तरह जो है आप लोगों ने बनाना है, तो आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। देसी घी बनाने के लिए हमारे पास एक बॉल मक्खन का है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना मज़े का लग रहा है और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश है। तो इसको जो है मैंने एक दिन पहले ही बना के फ्रिज में रख दिया था और इसकी बॉल जो है मैंने बना के रेडी कर ली थी। आप देख सकते हैं ये अभी जो है जम चुका है, बहुत ही कमाल का बना हुआ है। तो मक्खन की जो रेसिपी है मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं किस तरह जो है आप बहुत कम बालाई से बहुत ज़्यादा मक्खन बना सकते हैं। तो आज जो है हम आप लोगों को दानेदार देसी घी बनाना सिखाएंगे, वो भी बहुत ही मज़े का और कमाल का बनता है। तो इसमें से जो है अभी हम थोड़ा सा मक्खन जो है अभी निकाल लेंगे, वो जो है हम नेक्स्ट डे को जो है पराठे बनाने में यूज़ करेंगे। तो इसमें से हम एक दो बॉल जो है वो उठा के रख देंगे। तो बाकी मक्खन को हम एक पतीली या किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हमने देसी घी रेडी करना है। तो इन सारी बॉल्स को जो है हम इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा कमाल का लग रहा है, दिल करता है इसको मेल्ट ही ना करो। तो अभी जो है हम इसका घी बनाएंगे। तो चूल्हे को मैंने ऑन कर लिया, फ्लेम देख सकते हैं कितना मैंने ऑन किया हुआ है। तो इसी तरह के फ्लेम पे जो है हमने फ़िलहाल जो है इसको कुक करना है जब तक कि हमारा मक्खन जो है वो मेल्ट ना हो जाए। मक्खन जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। अभी जो है हम एक स्पून की हेल्प से इसको जो है हल्का हल्का हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से जो है लग ना जाए। तो इसी तरह जो है हमने इसको हल्का हल्का हिलाते रहना है जब तक कि ये सारा मेल्ट ना हो जाए। सारा मक्खन जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर झाग भी अच्छे से आ चुकी है। अभी हम इसमें एक से दो मिनट के लिए चम्मच को हिलाते रहना है ताकि इसके ऊपर जो झाग है वो ऊपर ना आ जाए। तो अभी जो है हम इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे, बाद में एक से दो मिनट के बाद जो है हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और बारी बारी जो है इसमें चम्मच हिलाते रहना है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, आप देख सकते हैं अभी जो है 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा घी जो है तकरीबन 90% तक कुक हो चुका है। अभी हम इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे जिससे जो है हमारे घी की एक तो शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी, दूसरा ये दानेदार भी बनेगा और इसकी फ्रेग्रेंस भी कमाल की बनेगी। तो वो भी अभी हम आप लोगों को दिखाएँगे कि किस तरह जो है हमने किस तरह की चीज़ जो है हमने इसमें ऐड करनी है। ये है जी हमारे पास गंदम का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, इसको जो है मैंने एक प्लेट में अच्छे से छान लिया है। अभी हम 2 टेबलस्पून जो है इसमें भर के ऐड कर देंगे और इसको भी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हल्की सी आंच पे कुक करना है। इससे जो है हमारे घी की जो है टेस्ट बहुत ही कमाल का बनता है और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है।
हल्के हल्के हाथों से हम चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि जो हमने इसमें आटा मिक्स किया है वो भी नीचे ना बैठ जाए और इसके अंदर से जलने की जो है वो स्मेल ना आए। तो अभी जो है हम इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे और इसको जो है पकाते जाएंगे। घी के ऊपर दोबारा से जो है झाग आना स्टार्ट हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि हमारा घी जो है वो डन हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह जो इसके ऊपर झाग आ चुकी है, जो इसके अंदर हमने आटा ऐड किया था वो भी अच्छे से पक चुका है, नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो अभी जो है हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फिर जो है हम इसको ठंडा होने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे और अच्छे से जो है हमने इसको ठंडा करना है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है, आप देख सकते हैं अभी भी ये हल्का हल्का सा पक रहा है जो कि इसके हमने अंदर आटा ऐड किया था। तो अभी जो हम इसको जार में ऐड करके आप लोगों को दिखाते हैं कि ये किस तरह का बना है। घी जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है कम्प्लीटली तौर पर। अभी जो है हम इसको जार में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं। सारा घी हमने जार में ट्रांसफ़र कर दिया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना मज़े का लग रहा है। अभी हम इसका ढक्कन बंद करके इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो है जम जाए। आजकल सर्दियों का सीज़न है तो ये अच्छे से जम जाता है। तो फिर जो है हम इसकी लास्ट और फाइनल लुक जो है हम आप लोगों को दिखाएँगे। घी जो है कम्प्लीटली तौर पर अच्छे से जम चुका है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना मज़े का लग रहा है। अभी जो है हम चम्मच की हेल्प से भी आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं कि ये कितना खूबसूरत और मज़े का बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ये दानेदार और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा है। आप भी इसी तरह हर स्टेप को फॉलो करके इसी तरह का जो है घी बना के रेडी कर सकते हैं। सब लोग जो है कुछ इस तरह की गलतियाँ करते हैं कि घी को ज़्यादा पका लेते हैं, इस तरह जो है एक तो घी के सारे बेनिफिट्स ख़त्म हो जाते हैं, दूसरा हमारा घी जो है वो दानेदार भी नहीं बनता। तो इसी तरह जो है आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और इसी तरह का जो है मज़ेदार देसी घी रेडी करना है। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी आप लोगों को? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।